सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घर की सहेली में। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इस चैनल पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक DIYs एंड यस ऑफ कोर्स माय फेवरेट आर्ट एंड क्राफ्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आर्टिफिशियल एप्पल कैसे बनाते हैं, वो भी स्टॉकिंग के साथ में। सो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी ताकि इजीली आप अपने घर पे बना सकें। सो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी स्टॉक मैंने यूज़ किया है, जो भी मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुए हैं, वो सारी की सारी उनकी डिटेल्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसे बनाने में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए मार्केट में इस तरह की ये जो लीव्स आप देख रहे हैं, इन्हें आर्टिफिशियल लीव्स कहते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाएगी लोकल मार्केट में। ये जो स्टफ है ना, ये स्टॉकिंग कहते हैं इसको, और इसके अंदर फाइबर तो सॉफ्ट, ये देखिए इसमें गांठे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट में दो तरह की पर अवेलेबल होती है, एक गुड क्वालिटी की होती है, तो ये गुड क्वालिटी की है, इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं है। इस तो मार्केट में दो तरह की फाइबर अवेलेबल होती है, एक बहुत सॉफ्ट इसका स्टफ होता है और दूसरा बहुत कुछ गांठे टाइप, उसमें ना गांठे बनी होती हैं। तो वो वाली फाइबर आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि जब हम मटेरियल बनाएंगे तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा और बहुत हार्ड बनेगा, तो जिसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन टेप इसे कहते हैं, ये भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। प्रोडक्ट्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, अगर आपको लोकल शॉप से ना मिले तो आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। इन सभी मटेरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, इसे स्टॉकिंग कहते हैं, ये भी इजीली आपको मिल जाएगी, और ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हो जाएगी, ग्रीन, पर्पल, येलो, पिंक, डार्क पिंक, मतलब हर तरह की अवेलेबल। और ये डबल शेडेड है क्योंकि एप्पल बनाने के लिए डबल शेड की स्टॉकिंग मैंने ली है, क्योंकि एकदम नेचुरल लुक आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो आ जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। तो गलती मेरी ही है कि मैंने आपको नहीं बताया, सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन जो साथ में बेल आइकॉन है उसको ज़रूर आप प्रेस करें। उसको प्रेस करने से ये बेनिफिट होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप मेरी एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, कि किस तरह से ये आर्टिफिशियल एप्पल बना सकते हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको ये बास्केट दिखाना चाहूँगी, एंड ये बास्केट मैंने खरीदी थी लोकल मार्केट से ही, जो आर्टिफिशियल फूल वगैरह जो बेचते हैं ना, रोज वगैरह, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। और ये बास्केट भी खरीदे हुए कम से कम 3 साल हो गए हैं, 3 से 4 साल, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको यूटिलाइज करूँ या कुछ DIY बनाऊँ या कुछ डेकोरेशन करूँ। तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है, क्योंकि मैं पहले वर्किंग थी तो जिसकी वजह से मैं अपने पैशन को टाइम नहीं दे पाई। तो अब मुझे जो भी टाइम मिला है मैं उसको यूटिलाइज करना चाहती हूँ, और जो भी एक्सपीरियंसेस है या जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो ये एप्पल तो बन गए हैं देखिए, एंड बहुत जल्दी इस टोकरी का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए चलते हैं हम आज की